अरे लोन ले लो भाई, लोन ले लो, लोन ले लो, 10 लाख का लोन, 5 लाख का लोन, बीटेक का लोन, एमबीबीएस का लोन, लोन ले लो, लोन ले लो, बीकैप का लोन, बीसीए का लोन। अरे आपको भी लोन चाहिए? कितने का लोन चाहिए? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख? अगर आपको डिटेल में लोन के बारे में जानना है तो यहाँ पे आपको मैं भाई नहीं बता सकता। एक काम करो, आपको एक वीडियो भेजता हूँ, उसे आप कंप्लीट देखो, उससे आपको लोन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी बिल्कुल डिटेल में। तो देर किस बात की, चलो वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ एजुकेशन लोन के ऊपर। एजुकेशन लोन कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कौन कौन से बैंक से ले सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्या अपने कॉलेज का बैंक सही रहेगा या बाहर का बैंक सही रहेगा, सारे सवालों के जवाब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, पूरी एजुकेशन लोन के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। चाहे आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एजुकेशन लोन के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करी है और उसके बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी तैयार करी है, सो दैट आप लोगों को वीडियो देखने के बाद अगर चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, अपने पास रख सकते हो फॉर फ्यूचर। तो गाइज उसी पीडीएफ में से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, तो वीडियो देखनी आपको ज़रूरी है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे उससे आपको पॉइंट तभी समझ आएंगे जब आप ये वीडियो को देखोगे, बिकॉज जो पीडीएफ है उसमें मैंने शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको डिटेल में समझना है तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हो, चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हो मेरे हाथ में ये फोन, और यहाँ पे मैं आप लोगों को पीडीएफ में पढ़ के आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैंने यहाँ पे चीज़ें जो रिसर्च करी है एजुकेशन लोन के ऊपर। चाहे आप किसी भी कोर्स से हो, कोई सा भी आप पीजी कर रहे हो, यूजी कर रहे हो या कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, इस वीडियो में आपको एजुकेशन लोन के ऊपर पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो गाइज आपको स्क्रीन के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे शो हो रहा होगा पीडीएफ मैंने कैसे डिज़ाइन करी है। बाकी डिटेल भी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना फटाफट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरी कम्युनिटी के जितने भी सोशल लिंक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशन लोन के ऊपर। सबसे पहले कि कंडीशंस क्या है आप अप्लाई करने के लिए, कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन लोन के लिए। तो गाइस यहाँ पे आपको इंडियन होना जरूरी है, जो कि आप सब हो भाई, आप ऐसा तो नहीं कि अफ्रीका से आए हो या अमेरिका से आए हो, ठीक है, इंडियन हो आप सभी। जो फॉरन लोग होते हैं उनका थोड़ा सा रहता है कि वो इंडियन नहीं है, तो उनका अलग कंट्री के हिसाब से होता, उनकी उनके कंट्री के हिसाब से होगा, लेकिन आप सभी इंडियन हो तो आप एलिजिबल हो। ओनली वेन योर एडमिशन इज कन्फर्म्ड इन द कॉलेज और इन स्कूल, ठीक है। एजुकेशन लोन ऐसा नहीं खाली कॉलेज वाले बच्चों को मिलता है, एजुकेशन लोन उनको भी मिलता है जो स्कूल में है, उनको भी मिल सकता है। हालांकि काफ़ी सारी स्कीम्स उसके अलावा भी स्कूल्स के लिए बनाई गई हैं। इसके बाद अब आता है, ये तो बेसिक चीज़ होती है कि भाई आपका एडमिशन जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक आपको एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, यानी आपने एडमिशन अभी लिया नहीं है कॉलेज में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जब आपने एडमिशन पूरा ले लिया है, पूरा एडमिशन हो चुका है, उसके 1 से 2 महीने बाद आप यहाँ पे अप्लाई के लिए प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से कोर्सेज आपके लोन के अंडर आते हैं। तो कोर्सेज जैसे कि यह है, सारे कोर्सेज आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोर्स नहीं आ रहा, दूसरा कोर्स नहीं आ रहा, ये आ रहा, ये नहीं आ रहा। बेसिकली मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स में आपको दिखा रखा है कि यूजी में जितने भी कोर्सेज होते हैं, पीजी में जितने भी कोर्सेज होते हैं, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं आपके, जैसे एमबीबीएस का हो गया, बीटेक का हो गया, सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो होते हैं, जो कि कोर्सेज रेपूटेड इंडियन अप्रूव्ड होते हैं बाय फॉरन इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड हैं, इंडिया के अंदर जो फॉरन इंस्टीट्यूट हैं, या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अलग तरीके के कोर्सेज कर रहे हो, मतलब जितने भी तरीके के मोस्टली कोर्सेज होते हैं वो सब एजुकेशन लोन के अंडर आते हैं। आप उसमें एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई कर सकते हो, अपना करियर को परस्यू कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। भाई एजुकेशन लोन आपने सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, बट आप सोचते होगे कि एजुकेशन लोन में आपको खाली कॉलेज फ़ी मिलती है या हॉस्टल फ़ी मिलती है, और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या सुविधाएँ मिल सकती है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको कॉलेज फीस के साथ साथ, हॉस्टल फीस के साथ साथ, जो आपकी यूनिफॉर्म है अगर किसी कॉलेज में है या किसी कोर्सेज में है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे ये स्पॉन्सर कर देंगे, बुक्स के लिए आपको स्पॉन्सर कर देंगे, अदर इक्विपमेंट जो एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी एजुकेशन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब लोन के अंडर आ सकती हैं, वो आपको मिल सकती है अगर आप अप्लाई करते हो। लैपटॉप तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे किसी प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीटेक में आप सीएसई आईटी
टेक्निकल ब्रांच में तो लैपटॉप की नीड होती है कोडिंग के लिए, तो वहाँ पे भी आपको ये लोन में मिल जाता है। इन सम केसेस कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें 2 साल इंडिया में रहकर पढ़ाई करनी होती है, 2 साल फॉरन में जाकर पढ़ाई करनी होती है, तो ऐसे कोर्सेज जो होते हैं उसमें ट्रैवल का जो एक्सपेंस होता है वो भी एजुकेशन लोन के अंदर आ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि एजुकेशन लोन के अंदर पूरी एजुकेशन की चीज़ें आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि कितने तरीके के लोन्स होते हैं, यानी आपको लोन कौन कौन दे सकता है। तो देखो मैं आपको डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे सिक्योर्ड होता है, एक होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में आते हैं प्राइवेट बैंक जितने भी हैं आपके, और सिक्योर्ड में आते हैं गवर्नमेंट बैंक्स। तो अब इनके अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, अपने अपने इनके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। सिक्योर्ड में आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट के अंडर में है, तो ये वही रूल्स फॉलो करेंगे जो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट बताएगी। तो यहाँ पे आपको लो इंटरेस्ट रेट पर कमीशन, यहाँ पे आपको लोन मिल जाता है, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है, कम से इन द सेंस कि आपको 7%, 8%, 9%, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो इतने पे आपको यहाँ पे मिल जाता है लोन, और आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया है आपको जब भी पे करना है, या आपने जब लोन लिया है उसके बाद से आपकी किस्तें आनी चालू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। खास करके गवर्नमेंट बैंक्स में, सिक्योर्ड बैंक्स में ऐसा नहीं होता है, या जब भी आप अपनी कॉलेज की बैंक से लोन लेते हो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसका आपको टाइम मिलता है 4 साल और उसके 1 साल बाद तक का, यानी आपको टोटल 5 साल मिलते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे ये चीज़ें चालू होती हैं, किस्तें आपकी चालू होती हैं, फिर आप उसे हिसाब से दे सकते हो। आपको यहाँ पे पूरा टाइम दिया जाता है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती इन केस ऑफ गवर्नमेंट। आपको लोन अमाउंट जो मिलता है वो थोड़ा सा लिमिट में होता है गवर्नमेंट में, यानी 7 लाख 8 लाख तक की लिमिट होती है, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट वाले आपको लोन नहीं देते हैं, इतनी यहाँ पे लिमिट रखते हैं। अगर आप किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में हो लाइक IIT, NIT, IIIT, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो वहाँ पे कॉलेज के अंदर ही बैग्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा हाई अमाउंट भी दे देते हैं। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड की, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहाँ पे आपको अमाउंट तो जितना मर्जी आप ले सकते हो, 50 लाख तक का भी लोन ले सकते हो, बट वहाँ पे आपको टाइम काफ़ी कम मिलेगा, हायर इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेगा, और वहाँ पे आपको कोलेटरल भी देना पड़ेगा, साथ में आपकी कोई ज़मीन हो या कुछ ऐसा हो जो आप वहाँ पे दे सकते हो कोलेटरल के रूप में, वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको साइन करवाएंगे, काफ़ी सारे चक्करों में आपको करवाएंगे, उसके बाद आपको पूरा पैसा देंगे। और जो अमाउंट होता है ऐसा नहीं होता कि वो पूरा फुल्ली स्पॉन्सर्ड होता है, कुछ उसमें से 5% या 10% मार्जिन जो होता है वो आपको अपनी तरफ से अरेंज करना पड़ता है, ये आपने पहले भी सुना होगा। हालांकि जो 95% होता है वो आपको दे देते हैं। तो ये हो गया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बारे में। बाकी डिपेंड करेगा, जितना आपका अमाउंट ज़्यादा होगा उस हिसाब से आपके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते घटते रहेंगे। जनरली जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स फॉलो करते हैं और ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स फॉलो करते हैं, वो 8 से 10% आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हैं तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा लोअर रेट्स पे। दूसरी चीज, कॉलेज पर्सनल इंश्योरेंस। अगर आपको लगता है कि आप 5 साल बाद किस्त नहीं दे सकते हो, या कुछ इश्यू हो सकता है, या इन केस आपको कुछ दिक्कत हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो आपको कॉलेज पर्सनल लोन का एक कॉलेज पर्सनल इंश्योरेंस का एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आप इंश्योरेंस ले सकते हो, और इन केस अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप यहाँ पे सेफ रहोगे। यानी ऐसा नहीं कि आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, आप पैसा दोगे लेकिन आप कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा थोड़ा टाइम का, और आपके पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर जो होता है लोन चुकाने का वो नहीं आएगा, सब कुछ आपके ऊपर होगा क्योंकि आपका एक इंश्योरेंस हो रखा है। तो ये भी आप करवा सकते हो, और ये आपको करवाना चाहिए आई थिंक, अगर आप एक लोन ले रहे हो एजुकेशन का। अब होता क्या है, लोन लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपके कॉलेज के अटैच्ड बैंक है या कॉलेज के बिल्कुल पास में बैंक है, तो वो बैंक ही इसलिए बनाया जाता है मेनली कि कॉलेज के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन लोन ले सके। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा झंझट नहीं होता, वहाँ पे आप सिंपली उनके पास जाते हो, उनको पता होता है कि ये लोन लेने के लिए आया है, तो वो ज़्यादा कुछ भी वहाँ पे नहीं पूछेंगे आपसे। डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे आपसे काफ़ी कम लगवाएंगे, हालांकि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स फिर भी लगेंगे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आउटर बैंक्स जो होते हैं उसके मुकाबले में काफ़ी आसानी से आपको लोन मिल जाता है। मैंने काफ़ी इस सारे स्टूडेंट से बात करी है, मेरे क्लोज में जो है मेरे ब्रदर सिस्टर उनसे भी मैंने बात करी है, तो उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। जो आपके कॉलेज में अगर बैंक है, तो पहली प्रायोरिटी आप ये रखो कि उन बैंक्स के पास जाओ, उनसे लोन की बात करो, तो वो आपको फटाफट से लोन अप्रूव कर देंगे। मैंने जो काफ़ी स्टूडेंट से बात करी तो उनका लोन विद इन 24 hours, 48 hours के अंदर अप्रूव हो गया था उनके कॉलेज के बैंक से, DTU, IIIT, NIT, NSUTs,
आईपीयू के मोस्टली मेरे कॉलेज में खुद बैंक्स अटैच्ड कॉलेज होता है, कॉलेज के बराबर में बैंक होते हैं इन 90% केसेस। तो अगर ऐसा है तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वहाँ पे जाओगे, वो सब आपको बता देंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 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 अगर आपके कॉलेज के पास में बैंक नहीं है या कॉलेज से अटैच नहीं है जो बैंक है, तो आप अलग अलग बैंक के धक्के खाने की बजाय ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? vidyalakshmi.co.in करके आपको एक साइट मिलेगी, उसको जब आप खोलोगे तो वहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हो। वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से अपना पहले साइनअप करना पड़ेगा, उसके बाद आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो एक ऐसी साइट है जो घर बैठे आप डिफरेंट बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जिस बैंक का आपका लोन के लिए अप्लाई करोगे एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो आप उस बैंक में पर्सनली जाकर लोन के लिए आगे की कार्यवाही प्रोसेस कर सकते हो। यानी आपको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के, आपको घर बैठे कंप्यूटर से या फ़ोन से साइट को ओपन करना है, उसमें अपनी डिटेल्स डालनी है, कॉलेज की डिटेल्स डालनी है, कोर्स की डिटेल डालनी है, और उसके बाद बैंक डिसाइड करता है कि आपको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगर आपको लोन देना चाहिए तो फिर आप सीधे बैंक में जाके बात कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान तरीका है, और ये अभी हुआ है हाल ही में 1-1.5-2 सालों से, उससे पहले भटकना पड़ता था बच्चों को लोन के लिए दर दर। तो ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी चीज़ करी है कि एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है इसके लिए। हालांकि आपको इस पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके कॉलेज से बैंक अटैच्ड है तो सीधा वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। देखो डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वो जनरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बैंक्स ऐसे होते हैं जो इससे कम भी मांग सकते हैं, और कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो इससे ज़्यादा भी मांग सकते हैं। तो ये बैंक टू बैंक पर डिपेंड करता है, पर जो जनरली मोस्ट कॉमनली जो ज़्यादातर केसेस में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो दैट आप ये वाले डॉक्यूमेंट तो कम से कम तैयार करके रखो, सो दैट आपका आधे से ज़्यादा काम जो है वो पहले से प्रिपेयर हो जाए। तो पहला जो है वो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि 4 से 6 आपको रखनी है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको 10 रखनी है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर में रख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ में पेन और आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी रखनी है, ओरिजिनल भी अपने साथ में रखना है। उसके साथ में 12th की मार्कशीट आपकी पासिंग ईयर सर्टिफिकेट आपका हो गया, 12th का पासिंग ईयर सर्टिफिकेट अलग होता है, 12th की मार्कशीट अलग होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी चीज़ें, और ये आपके पास होना चाहिए। और जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एंट्रेंस के टाइम दिए थे, ये जो अदर पेपर्स दिए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करके रख लेने अपने पास, इनकेस अगर वो मांगते हैं तो आप फटाफट से निकाल के उन्हें दे सको, दिखा सको। अगर आपने ड्रॉप किया है तो जहाँ पे आपने कोचिंग ली थी उसके भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, काउंसलिंग रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, एफिडेविट होने चाहिए। इसके अलावा एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसका एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर मिलता ही है आपको, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसका फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का वो आपको डॉक्यूमेंट में रखना है, बिकॉज वहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे लोन का तो वहाँ पे आपको पूरी फीस के बारे में लिखना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो उसके लिए आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उसकी साइट पे जाके फीस स्ट्रक्चर के लिए निकाल सकते हो प्रिंट आउट, सो दैट वहाँ से आप देख के आराम से लिख सको। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट जो है आपके फादर की या जो भी आपके घर में है डिसीजन मेकर, उसकी आप वहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे आपको करनी पड़ती है जमा। उसके साथ में रेजिडेंशियल प्रूफ आपको देना पड़ता है, चाहे आप रेंट पे रह रहे हो चाहे आपका खुद का मकान है, तो आपको रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा जो आप यहाँ पे रह रहे हो करंटली। इसके अलावा अगर आपके कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट अगर ऐसा कुछ है तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। और इन केस अगर आपका जो अमाउंट है लोन का वो बड़ा है तो फिर वहाँ पे कोलैटरल का भी होता है, तो फिर कोलैटरल के कागजात वागजात वो भी आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लग सकता है आपका, और चेकबुक जो है वो आपकी भी लगेगी और आपके फादर की, उनकी भी लग सकती है, पेरेंट्स की। साथ में गैप अगर आपने करा, जैसे मैंने बताया एफिडेविट्स। इसके अलावा कई तरीके के एफिडेविट्स होते हैं जो बैंक वाले आपको बताएंगे, किसी बैंक में कम मांगते हैं किसी बैंक में ज़्यादा मांगते हैं, तो उसके हिसाब से आप एफिडेविट बनवा के रख लीजिएगा। बाकी ये जो जनरली डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये आप प्रिपेयर करके रखोगे। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स की और नीड होगी जो वो बैंक टू बैंक पर डिपेंड करते हैं, बट ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो 90% बैंक्स में यूज़ होते हैं, उनसे ज़्यादा में ही ये डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही लगते हैं, तो इनका आपको खास ध्यान रखना है। मैंने इसकी PDF में भी इसको साथ डाल दिया है, आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइज ये है सारी जानकारी, जैसे मैंने बताया 7.5 लाख से ऊपर का अगर आपका लोन है तो इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा हाई हो सकता है और कोलैटरल आपको देना पड़ेगा, कोलैटरल आपको रिक्वायर्ड है। तो ये सारी लोन की जानकारी थी जो मैंने आपको गाइज दी है, और आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चाहे आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो, आपको लोन के
जितनी भी जानकारी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक मैंने सब कुछ रिसर्च आउट करके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और आई होप आप सबको क्लियर भी हो गई होंगी। बाकी आप PDF को एक बार देखोगे तो आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो भी है मैंने वहाँ पे सब लिख रखे हैं, तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दो, घंटा दबा दो सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। और वीडियो को गाइज लाइक कर देना और PDF के लिए भी एक लाइक तो बनता ही है यार। और साथ में जल्दी से हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से यार अपने चैनल को हमारे चैनल को ले चलो 10K तक सो दैट हम थोड़ा सा ग्रो करें। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, बिकॉज एजुकेशन लोन हर किसी को लेना होता है। मोस्टली जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जो इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, उनको थोड़ा सा नीड होती है, इतना अमाउंट जो होता है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो एजुकेशन लोन अगर आपको जानकारी चाहिए या आपके कोई फ्रेंड्स में है तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का वो भी पूरा हो जाए। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, आई कार्ड पे आपको सारी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल जाएगी। 15 मार्च तक डेटा स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ था, आप आई कार्ड पे जाके वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।